गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रीतम पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है बल और गति के नियम। जी हाँ, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि बल क्या होता है। बल जिसे कि हम लोग फोर्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक ठेला वाला सब्जी बेचता है तो ठेला को धक्का मार के कुछ दूर तक ले जाता है। यदि आप किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो उसे पकड़कर दम लगाकर अपनी ओर खींचते हैं। तो जी हाँ, इसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। बल किसे कहते हैं? तो धक्का या खिंचाव को बल कहा जाता है। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं? तो धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि बल के क्या क्या से प्रभाव हैं, कैसे जानेंगे किसी वस्तु के ऊपर बल लग रहा है। तो यदि आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो उस वस्तु के रूप में आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी घर में रोटी बनाने के लिए आटा को गूंथती है और जब भी उसके ऊपर बल लगाती है तो उसका रूप चेंज कर जाता है। तो बल लगाने से आप किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन ला सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉल घड़कता हुआ आ रहा है और आपने क्रिकेट के बल्ला से एक बल लगा दिया तो आप उसके स्पीड को रोक सकते हैं। तो बल लगाने से किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन हो सकता है। बल लगाने से किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो सकता है। चाहे वेग को बढ़ा सकते हैं चाहे वेग को घटा सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है अपने जगह पर और कोई बंदा है जो कि एकदम बल लगा के दम लगा करके इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया। तो बल लगाने से किसी वस्तु के स्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है। तो बल लगाने से क्या क्या प्रभाव आपको दिखेगा? तो सबसे पहले जब आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाइएगा तो उस वस्तु के रूप में परिवर्तन होगा, उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगा और साथ ही साथ उस वस्तु के गति के दिशा में भी परिवर्तन होगा। तो आप यह जान चुके हैं कि यदि किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो किस में परिवर्तन होगा? उस वस्तु के रूप में परिवर्तन होगा, उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगा, उस वस्तु के दिशा में परिवर्तन होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि बल वह भौतिक कारक है जिसके चलते किसी वस्तु के रूप, वेग, स्थिति या दिशा में परिवर्तन होता है या करने की चेष्टा करता है। अब मान लीजिए मैं इस दीवार पर धक्का लगा रहा हूं लेकिन दीवार हिल नहीं रहा है, लेकिन मैं चेष्टा तो कर रहा हूं कि यह दीवार हिल जाए। इसीलिए बोला जाता है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में या तो परिवर्तन ला देता है या तो परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, कोशिश तो करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि बल कौन सा राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो बल एक प्रकार का सदिश राशि है। बल एक प्रकार का सदिश राशि है। और सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसा भौतिक राशि जिसके पास परिमाण हो, जिसके पास परिमाण हो और साथ में जिसके पास दिशा हो। तब तो ये कन्फर्म हो गया कि बल के पास परिमाण भी है और बल के पास दिशा भी है। तो आप जब भी बल लगाएंगे उसका कोई ना कोई दिशा होगा, परिमाण भी होगा। बल का जो परिमाण है वह लिखते हैं हम लोग न्यूटन में, जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन। अगर आप कोई वस्तु को खरीदने के लिए जाइएगा, मान लीजिए सपोज कीजिए आप चावल खरीदने गए मार्केट में, तो आप क्या कहिएगा? 5 केजी चावल दीजिए, 10 केजी चावल दीजिए, 18 केजी चावल दीजिए। आप उसको केजी में मापिएगा। उसी प्रकार से किसी वस्तु के ऊपर कितना बल लगा है इसको हम लोग न्यूटन में मापते हैं। किस में मापते हैं? न्यूटन में, न्यूटन। और न्यूटन लिखने का दो तरीका, यदि आप सिर्फ सिंबल लिखिएगा तो कैपिटल एन, ये मतलब बड़ी वाली एन का उपयोग करेंगे, और यदि पूरा नाम लिखना है तो 5 NEWTON न्यूटन लिखेंगे, 5 न्यूटन। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हम बड़ी एन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो बच्चों जब आप बड़ी एन से न्यूटन लिखिएगा, NEWTON, ये बड़ी वाली एन है, तो बड़ी वाली एन का उपयोग तब करेंगे जब हम किसी वस्तु के प्रॉपर नाउन को लिखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आपने नाउन को रूल को पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा बड़े अक्षर से होती है,
तो जब बड़े एन से लिखिएगा तब तो अर्थ हुआ कि न्यूटन किसी बंदे का नाम है, लेकिन जब छोटे अक्षर से लिखिएगा एन ई डब्ल्यू टी ओ एन तो यह न्यूटन क्या है, यह हो गया एसआई मात्रक। इतना कंफर्म हो गया कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, या तो हम इसको सिंबल में लिखेंगे, संकेत में लिखेंगे तो बड़ी अक्षर का उपयोग करेंगे, यदि पूरा न्यूटन शब्द को लिखेंगे तो छोटी अक्षर एन का उपयोग करेंगे। तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, डी वाई एन ई डाइन, और एक न्यूटन का अर्थ होता है 10^5 डाइन, और 10^5 किस में होता है, 1,00,000 में 100,000, तो 1 न्यूटन = 1,00,000 डाइन, 1 न्यूटन = 1,00,000 डाइन। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल एक प्रकार की सदिश राशि है, बल के पास परिमाण भी है, बल के पास दिशा भी है, और किसी वस्तु पर यदि आप बल लगाइएगा तो रूप में परिवर्तन होगा, या तो वेग में परिवर्तन होगा, या तो स्थिति में परिवर्तन होगा, या तो उसके दिशा में परिवर्तन होगा। अब आपने बच्चों पढ़ा है कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो बल को हम लोग एफ से सूचित करेंगे, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। मान लीजिए ये वाला जो बक्सा दिख रहा है फोटो में, इस बक्से का द्रव्यमान है थोड़ी देर के लिए 5 kg, और मैंने इसके ऊपर बल लगाया, कितना लगाया, तो मान लेते हैं 10 न्यूटन का बल लगाया, तो बताइए इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, यानी ए बराबर वाट। तो एफ बराबर एम गुना ए, इसलिए ए बराबर एफ बटे एम, तो एफ मैंने कितना लगाया 10 न्यूटन यानी 10, और मास कितना है 5 kg, तो 5 यानी 2 m/s². चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है और जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 10 kg, और इसके ऊपर बल लगाते हैं F, तो इसमें त्वरण बनता है 3 m/s². द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, इसलिए द्रव्यमान को 10 kg कहेंगे, त्वरण का एसआई मात्रक m/s² होता है, इसलिए 3 m/s² कहेंगे। यदि 10 kg द्रव्यमान वाले किसी वस्तु पर बल F लगाने से 3 m/s² का त्वरण उत्पन्न हो तो बताइए इस वस्तु पर बल कितना लगा है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान है हमारा 10 kg और त्वरण का मान है 3 m/s², तो 10 × 30 kg/s², और kg/s² के जगह पे न्यूटन कहिएगा, आंसर होगा इसका 30 न्यूटन। तो एक बात आपने और यहां से सीखा कि 1 न्यूटन का वैल्यू कितना होता है, 1 न्यूटन का वैल्यू होता है 1 kg/s², यानी कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि 1 m/s² का त्वरण हो तो हम लोग कहेंगे बल कितना लगा था, तो 1 न्यूटन लगा था, और 1 न्यूटन बल को यदि डाइन में चेंज करना है तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बल क्या है, तो बल वह भौतिक कारक है जिसके चलते किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, या नहीं तो परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। बल एक प्रकार का सदिश राशि है, क्योंकि बल के पास परिमाण भी होता है, बल के पास दिशा भी होता है, और बल
सदिश के योग के नियम का पालन भी करता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन कहते हैं, 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन यानी 10^5 डाइन। यदि हम फॉर्मूला सूत्र की बात करेंगे तो एफ बराबर एम गुना ए, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। और 1 kg के वस्तु पर यदि 1 m/s² का त्वरण हो तो बल हम लोग 1 न्यूटन कहेंगे, यानी 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।